चाहे टीजीटी हिंदी पोस्ट को 34/21 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और साथ ही उन कैंडिडेट से निवेदन भी है जो टीजीटी में सिलेक्ट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो टीजीटी में भी यदि चयनित हैं तो वो टीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ना लें, जिससे कि जो कि वेटिंग में कैंडिडेट रह गए हैं टीजीटी हिंदी के, मेल फीमेल समस्त कैंडिडेट से जो पीजीटी में सिलेक्टेड हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप टीजीटी की में भी यदि चयनित हैं तो टीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रतिभाग ना करें, जिससे कि जो प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनका चयन अतिशीघ्र सुनिश्चित हो सके। और आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं टीजीटी का जो ये आप ऑफर आप अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें 19 नंबर पर जो है लास्ट में जो 19वें क्रम बिंदु पर जो पॉइंट है उसके अंतर्गत 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है, इन केस ही सी डज नॉट अपीयर इन पर्सन आर नो रिप्लाई रिसीव्ड इन दिस ऑफिस विद इन 1 month फ्राम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफर लेटर, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस टू द कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आपको ये 13 अक्टूबर को जो जारी किया गया है, इस प्रकार से 13 नवंबर तक 1 महीने के अंदर आप जो है जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अभी जो है आपका यहाँ पूरी दावेदारी है टीजीटी में, तो पूरी संभावना है कि 13 नवंबर से पूर्व ही पीजीटी हिंदी पोस्ट कोड 68/20 का ज्वाइनिंग निश्चित रूप से आ जाएगा, ऐसे जो है संभावना जताई जा रही है। तो समस्त जो भी पीजीटी और टीजीटी दोनों में सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट, क्योंकि पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्व में हो चुका है, सितंबर माह में संपन्न हो चुका है पीजीटी हिंदी मेल पीजीटी हिंदी फीमेल का, तो उन सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि कृपया करके आप अन्य बेरोज़गार भाइयों के सहायक बने और उनके जो है टीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ना लें, ऐसा कि विभिन्न महानुभावों का ऐसा भी मानना है। आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ग्रुप से जो सम्मानित सदस्य हैं उनका जो है आप देख पा रहे हैं मानना, ऐसा मानना है कि यदि आपका पीजीटी में चयन सुनिश्चित हो गया है, ईश्वर की कृपा से बहुत शीघ्र ही नियुक्ति भी आ जाएगी। अभी यदि टीजीटी वाले सत्यापन में आप जाते हैं और टीजीटी में विद्यालय मिल गया तो बहुत ही जल्दी पीजीटी की नियुक्ति भी आ जाएगी, तब आपको रिजाइन अर्थात त्यागपत्र देने में नाकु चने जबाने पड़ेंगे, अर्थात आपको समस्याएं उठानी पड़ेंगी। ये मेरा तर्क नहीं, मैंने कईयों से सुना है कि टेक्निकल रिजाइन इतनी जल्दी बहुत समस्या उत्पन्न करता है। मेरा उन सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि जिनका पीजीटी डीवी क्लियर हो गया है और मेडिकल की डेट मिल गई है, कृपया वे टीजीटी वाले वेरिफिकेशन में आकर स्वयं को कष्ट ना दें और जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनकी राह आसान हो सके। भाई धर्म सिंह का मानना है, आगे लिखते हैं, आप देख पा रहे हैं उन्होंने अपना संदेश भेजा है, प्रतिभा का प्रमाण आपने पीजीटी का डीवी करवा कर दे दिया है, सबकी बोलती बंद कर दी है, अब किसी प्रकार का कोई प्रमाण किसी को आवश्यकता नहीं है, अब तो आपसे वे लोग सलाह मशवरा करेंगे जो कभी आपको सफलता के मूल मंत्र बताते थे। आप सभी पीजीटी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपनी आत्मा की सुने, दिमाग तो लालची तारों से जुड़ा है, धन की लिप्सा को महत्व दे बैठा है, मतलब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और वेटिंग के कैंडिडेट के हित के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रतिभाग ना करें, क्योंकि अभी आपके पास 1 माह का अवसर है और इस 1 माह में ही आपकी ज्वाइनिंग निश्चित रूप से आ जाएगी पीजीटी की, तो आपको फिर टीजीटी छोड़ करके भागना पड़ेगा, यह निश्चित रूप से है। और आगे देख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, और दूसरों के हित
के समान कोई धर्म नहीं है, आप सबसे बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं। आप TGT के जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनके मार्गदर्शक बन रहे हैं, उनके सहायक बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा ना लेकर के। राज भाई का मानना है कि अगर आप अभी DV में नहीं जाते हैं तो आपको एक महीने का रिमाइंडर आएगा DV के लिए, इतने में आपका PGT ज्वाइन हो जाएगा। जब तक एक रिटर्न में नहीं देंगे कि नो नीड फॉर TGT जॉब, IIMs ऑलरेडी सिलेक्टेड PGT, आपका रिमाइंडर आता रहेगा। नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट की ज्वाइनिंग 6 महीने पीछे चली जाएगी, अर्थात जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनका नुकसान होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हिस्सा न बने TGT में, यदि आप PGT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं तो। अन्य भाई भी जो PGT के सम्मानित सदस्य हैं उनका भी मानना है कि मानवता के नाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में PGT वाले ट्रेंड ग्रेजुएट में ना जाए तो अच्छा है, किसी और भाई लोग की बेरोज़गारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। कितने नेक विचार हैं सभी PGT सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सज्जनों के, और बहुत अच्छी बात है। और PGT हिंदी 34/21 में जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशी खबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूज़, हिंदी 34/21 में UR कैटेगरी में कुल चयनित कैंडिडेट में से 24 कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं और 11 DSSSB PGT में सेलेक्ट हो चुके हैं, और UP PGT में 6, UP TGT में 10 कैंडिडेट चयनित हुए हैं। 24+11+6+10=51 जो वेटिंग के जो कैंडिडेट हैं UR के, उनका रास्ता साफ हो चुका है, उनकी सीटें पक्की हो चुकी हैं। हिंदी UR में 66 वेटिंग है जिससे लगभग 14 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनमें से कुछ बाहर होंगे कुछ सेलेक्ट होंगे। वेटिंग जो है लिस्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, अर्थात जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। यह पूरा जो है आसार, ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है इस मैसेज से, यही आपको देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। हम आपके सुखद एवं सफल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।